गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब का चैप्टर क्लियर किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब्स होते हैं उनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। इनको क्या है कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं उन्हें हम मॉडल्स भी कहते हैं, जिनकी टोटल संख्या 14 है। आज हम आपको बताएंगे कि यूज ऑफ वुड इन फ्यूचर टेंस। वुड जो एक्सिलरी वर्ब है इसका यूज हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर टेंस के अंदर वुड का यूज कहाँ किया जाता है। फ्यूचर टेंस के अंदर वुड का प्रयोग हम निम्नलिखित 13 तरह से हम वुड का प्रयोग फ्यूचर टेंस के अंदर करते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर लाइक, लव, लाइक, लव, प्रेफर और वांट, Prefer or want. यदि ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर आते हैं, ये वर्ब्स, तो इनके पहले विल के स्थान पर वुड का प्रयोग होगा फ्यूचर टेंस के अंदर। तथा ऐसे वाक्यों में क्या है, वुड का वही अर्थ होगा जो विल का होता है। विल का फ्यूचर टेंस के अंदर हम क्या मतलब निकालते हैं? गा, गे, गी। तो फ्यूचर टेंस के अंदर यदि ये वर्ब्स हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर मिलती हैं विल से पहले, तो उसमें क्या है, हम इनसे पहले विल की जगह वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आई वुड लाइक टू study phonetic today। यहाँ पे क्या है, लाइक आया है, लाइक हमने बताया है। लाइक यदि किसी सेंटेंस के अंदर आता है तो उससे पहले हम विल की जगह वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे प्रेफर, दे वुड प्रेफर ट्रेकिंग अप द माउंटेन, यहां प्रेफर से पहले हम यहां पे दे विल प्रेफर ये नहीं कर सकते, ये यहां पे गलत होगा, क्योंकि यदि प्रेफर आया हुआ है वर्ब के रूप में तो यहां पे हम वुड का यूज करेंगे। ऐसे ही जैसे आगे है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वुड वांट टू इंट्रोड्यूस a new product। तो इसमें यहां पे want आ गया, want से पहले फिर would, ये want आ गया। ऐसे जैसे यहां पे कहीं पे भी love आता है main verb की जगह पे यदि love आता है तो love से पहले भी यहां पे would का use होगा, न कि
विल का, जैसे ही वुड लव ए कप ऑफ कॉफी टुडे। तो ऐसे हम यदि ये वर्ब कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें मिलती हैं तो उनसे पहले हम विल की जगह वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या कहता है, किसी भी मेन वर्ब के पहले, किसी भी मेन वर्ब के पहले यदि रेदर रेदर, नंबर वन रेदर प्रोबेबली प्रोबेबली पॉसिबली प्रोबेबली पॉसिबली और क्वाइट नोट, क्वाइट नोट। यदि ये फोर वर्ड्स हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी मेन वर्ब के पहले यदि ये मिलते हैं तब ऐसे वाक्यों में भी हम क्या करेंगे, विल के पहले वुड का यूज, सॉरी विल के स्थान पर वुड का यूज करेंगे। और वुड का मतलब वही होगा जो सेंटेंस के अंदर विल का है, वही अर्थ वुड का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वुड रेदर टेक द केक, ही वुड रेदर, रेदर रेदर यहां पे आ गया, तो रेदर से पहले कोई भी मेन वर्ब है उससे पहले यदि रेदर प्रोबेबली पॉसिबली और क्वाइट नॉट यदि कहीं पे भी हमें मिलता है सेंटेंस के अंदर तो उससे पहले हम वुड का यूज करेंगे न कि विल का। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड क्वाइट नॉट गो टू दिल्ली। क्वाइट नॉट, क्वाइट नॉट के पहले वुड, गो मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले यदि सेंटेंस के अंदर क्वाइट नॉट रेदर प्रोबेबली और पॉसिबली अगर ये वर्ड हमें मेन वर्ब के अंदर, मेन वर्ब से पहले सॉरी कहीं पे भी मिलते हैं तो वहां पे हम विल के स्थान पर वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में कहता है कि दैट दैट लाइक लव रेफर प्रेफर और वांट रेदर प्रोबेबली पॉसिबली और क्वाइट नॉट। अगला पॉइंट क्या कहता है, दैट दैट इफ दैट If whether whether or how plus 8WH family, 8WH family वाले जो भी वर्ड है वो यदि किसी भी वाक्य के बीच में हमें मिलते हैं और यदि इनके पहले वाला ये कहां पे डायरेक्ट नरेशन के अंदर हमें मिलेंगे तो उसमें क्या है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी वो यदि हमें पास्ट टेंस के अंदर दी हुई हो तो उसमें क्या है, इसके बाद हम विल के स्थान पर वुड का यूज करेंगे अगर ये कंजंक्शन के रूप में हमें सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी मिलते हैं तब हम विल के स्थान पर वुड का यूज करेंगे। एट डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वेदर इफ और दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वाज शूटिंग इन द क्लास दैट ही would not came the
next day. यदि that if whether how plus wh family word किसी भी sentence के बीच में यदि हमें मिलते हैं तो उसके बाद हम क्या इनसे पहले वाला जो क्लोज है उसके अंदर क्या है पास्ट के चारों टेंस पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये अगर हो तो उसके बाद हम क्या दैट के बाद इफ के बाद वेदर के बाद और डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो वर्ड है उनके बाद हम इसमें क्या है विल के स्थान पर वुड का यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखिए माई ब्रदर asked me whether he would spot the rally. My brother asked past indefinite tense verb की second form me whether यहाँ पे conjunction के रूप में आया तो इसके बाद क्या है पहले वाला past tense के अंदर है तो आगे हम क्या करेंगे sentence के अंदर will के स्थान पर would का use करेंगे. आज हमने बताया use of would in future tense. कल हम discuss करेंगे next video के अंदर use of would in past tense. In past tense. Past tense. कि would का use past tense के अंदर past में कैसे किया जाता है past time के अंदर तो वो हम आपको आने वाले next video के अंदर बताएंगे. तो video को देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. धन्यवाद.